Exercise 10.4, example number 1. The sides of the rectangle having length 6 cm and 8 cm. Verify that measure of the diagonal of the rectangle are same. यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है सबसे पहले रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं. रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया. अब उसका एक साइड है 6 और दूसरा साइड है 8. तो वन साइड 6 है, दूसरी 6 है और ये 8 है. बड़ा वाला इसमें ये 8 लिया और ये छोटा वाला इसलिए हमने 6 लिया. अब उसको लेबल कर दें ए बी सी डी. वेरीफाइड द मेजर ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर सेम. मीन्स ये जो डायगोनल्स हैं वो दोनों का साइज सेम है, हमको वो मेजर करना है. मीन्स यहाँ पे हमको करना क्या है कि ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल एसी डायगोनल बीडी, वो दोनों का साइज सेम है, वो हमको मेजर करना है. अच्छा, अब सबसे पहले जब रेक्टेंगल आए दिमाग पे क्या आ जाना चाहिए, तो अपोजिट जो साइड्स होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है. ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड वो कॉन्ग्रुएंट होती है. डायगोनल का साइज कितना होता है, सेम होता है. और ऑल एंगल्स, टोटल चार एंगल होते हैं, चारों चार कैसे होते हैं, 90 होते हैं. ये पहले दिमाग में आ जाना चाहिए. तो कोई भी एग्जाम्पल है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है रिलेटेड टू डायग्राम, वो सारी सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए. ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा. क्यों? ये साइड का अपोजिट साइड के बोज का कॉन्ग्रुएंस होता है रेक्टेंगल के अंदर. ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा. ओके, अब ये एग्जांपल में दिमाग कैसे लगाएंगे यहाँ पे कि सोचेंगे कैसे कि यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है कि दोनों डायगोनल सेम है, वो हमको प्रूव करना है. तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, अब पहले एक बार डिसाइड कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे प्रूव ऐसे करेंगे. देखो ये 6 है, ये 8 है. अब ये ट्राइंगल है, अब ये 90 होगा मेरे पास. तो मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल मिला हमको, ओके, तो 90 डिग्री है ये ट्राइंगल मिला. जब भी 90 डिग्री आए और हमको मालूम पड़े 90 डिग्री है, तो पहले पाइथागोरस का घटी बन जाना चाहिए दिमाग में. जब भी पहले राइट एंगल ट्राइंगल आए तो पाइथागोरस दिमाग में ला देने का, तुरंत तुरंत आइडिया को क्लिक करना है. तो मीन्स यहाँ पे हमको एक दिख रहा है, दो साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई नहीं है. तो हम ऐसे समझ सकते हैं ये हाइपोटेन्यूस है और ये दोनों साइड से. तो ये दोनों साइड की हेल्प से ये मिल जाएगा. सेम थिंग मींस इसका मेजरमेंट मिल जाएगा ये डायगोनल का. अब क्या करेंगे, एक डायगोनल का तो हमको मेजरमेंट मिल गया, अब दूसरे का कैसे फाइंड करेंगे. तो ऐसे ही जैसा ये प्रोसीजर यहाँ पे किया, वही प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे ये ट्राइंगल के लिए. ए बी सी ये जो ट्राइंगल है, सेम प्रोसीजर यही ट्राइंगल के लिए करेंगे. क्यों? क्योंकि एवरी एंगल आर 90 होता है, राइट एंगल होता है इसलिए. तो फिर ये ट्राइंगल फाइंड करेंगे, इसका 6 है इसका 8 है, तो ये भी हमको मिल जाएगा पाइथागोरस के थ्रू. तो इट मींस दैट ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों मिल जाएगा मेजरमेंट, तो मेजर कैसे कर सकेंगे ये दोनों इक्वल है कि नहीं है. लेट अस वी स्टार्ट हियर. तो पहले लिख देते हैं कि ए सी बी डी आर इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स दोनों डायगोनल्स हैं. फिर सेकंड दिन के यहां पे जो डायगोनल्स हमको मिल गया, अब क्या पर्टिकुलर डायरेक्टली ट्राइंगल के ऊपर चले जाएंगे. तो बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर ये 90 डिग्री है, मेजर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब 90 डिग्री लिख दिया है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. बी डी स्क्वायर BD square is equal to BC square plus DC square. Okay? अब BC कितना है? 6 का square. DC हमारा 8 है, 8 का square. 36 plus 34, 64, 100.
तो BD इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10, ये BD स्क्वायर है। ओके नाउ ये ट्रायंगल के लिए तो हमको मिल गया, मींस BD कितना मिला, ये हमको मिला 10। अब ये ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, इन ट्रायंगल एडीसी मेजर एंगल एडीसी इज 90, एडीसी इज इक्वल टू 90। तो अब पाइथागोरस बनाएंगे ये ट्रायंगल के अंदर, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो क्या आ जाए, एडी कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, बीसी कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, 100। तो ये AC स्क्वायर कितना मिला 100, तो AC कितना मिलेगा 10। तो मींस AC 10 मिला और BD भी 10 मिला, देखो ये BD और ये AC दोनों 10 10 है, तो मींस डायगोनल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां पे लिखना है BD एंड AC आर, BD एंड AC आर congruence, congruent in rectangle, in rectangle। okay तो means यहाँ पे हमने prove कर दिया कि BD और AC means दोनों diagonal congruent है ये rectangle के लिए। okay thank you।